नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, इसके रोज और कॉलम्स लिख के इस मैट्रिक्स के एंड मेंशन दियर ऑर्डर, इसके बाद उसके ऑर्डर को मेंशन करें। तो अगर आपको समझ आ रही है तो वही चीज़ है, ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, रोज हमने इसके कर दिए है तो ये वो टू है, उसके कॉलम भी टू है, तो इसका इसका ऑर्डर जो है 2 बाई 2 ही होगा। सेम ये है 2, तो इसके 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। सबसे पहले हमने लिखना है कि इसके 2 रोज हैं फिर 3 कॉलम्स हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बाई 3। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अच्छा, इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, अगर 2 मैट्रिक्स में हम इक्विलिटी देखना चाहें कि वो 2 मैट्रिक्स जो गिवन है वो इक्वल है कि नहीं है, तो वो क्या होना चाहिए, किस तरह होनी चाहिए इक्विलिटी। टू गिवन ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, ए और बी को हम इक्वल मैट्रिक्स कब कह सकते हैं, तब बोथ द मैट्रिक्स आर ऑफ द सेम ऑर्डर, के दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो। सबसे पहला शर्त क्या होना चाहिए, दोनों के ऑर्डर सेम हो, दोनों के रोज सेम हो, दोनों के कॉलम सेम हो। ठीक है, ये नहीं कि 2 रो और 2 कॉलम ही होने चाहिए, नहीं, अगर एक के 2 रो और 3 कॉलम है तो दूसरे मैट्रिक्स के भी 2 रो और 3 कॉलम ही होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, दे रिस्पेक्टिवली हैव द सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, दोनों के, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि दोनों के रो और कॉलम के नंबर्स जो है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या होना चाहिए, द एलिमेंट इन द करस्पॉन्डिंग पोजिशन इन ए एंड बी आर इक्वल, मतलब जहाँ पे करस्पॉन्डिंग पोजिशन का मतलब ये है कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स है और एक यहाँ पे है, दोनों में मैंने इक्वलिटी देखनी है कि इक्वल है कि नहीं है। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही बनना चाहिए, 2 बनना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो 2 ही लिखा हो, वो 1+1 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सेम जगह पे। ठीक है, यहाँ पे हमने पोजीशन की बात की है, तो पोजीशन का मतलब है कि अगर इस जगह की बात हो रही है तो इसी में भी फर्स्ट जगह की बात होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि ये 2 सिंगल 2 लिखा है तो ये भी सिंगल 2 नहीं, अगर ये 2 है तो यहाँ से 1+1 भी 2 हो सकता है, तो वो भी सेम चीज़ है। ठीक है, अच्छा, और नेक्स्ट क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 1 है तो ये भी 1 है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है, 2 सेकंड जगह पे है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, 2 है तो 1+1 वो भी 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 12 / 4, अगर हम यहाँ से कटिंग कर दें, 4 1 4 4 3 12 3 बन रहा है ना, तो सेम चीज़ है। 6 तो ये भी 6 बन रहा है, यहाँ से ये भी 5 बन रहा है, यहाँ से 4 बन रहा है, सेम चीज़, पोजीशन सेम है, सेम जगह पे सेम चीज़ आ रही है, कैलकुलेशन हो जाए वही वैल्यू बन जाए, तो हम कह सकते हैं कि दोनों सेम है, दोनों इक्वल ही है, दोनों मैट्रिसेस। ठीक है, यहाँ पे जो है ये दोनों इक्वल नहीं है। सबसे पहले शर्त जो होना चाहिए था, यहाँ पे कहा था कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, यहाँ पे ऑर्डर ही सेम नहीं है तो बाकी पोजीशन और वैल्यूज़ पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो 1 1 2, तो ये चीज़ इसके ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर जो ये 3/2 है और ये 2/3 है, दोनों का ऑर्डर ही गलत है, तो इक्वल है ही नहीं। ठीक है, अच्छा, ये हो गया आप लोगों का 1.1। यहाँ पे आप देखें, आपसे 1.1 में क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की यहाँ पे बात तो नहीं हुई थी, आई थिंक। अच्छा, मैं बताती हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर सेम हो, 2/2, 3/3, 4/4 सेम ऑर्डर से हो, तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ही स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि 2 रो है, 2 कॉलम है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर है 3/3। ठीक है, अगर डिफरेंट है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे 2/3 शेप को देखे तो रेक्टेंगल ही बन रहा है। ठीक है, या ये भी रेक्टेंगल ही है, ये भी, ये स्क्वायर है, क्योंकि 1/1 ऑर्डर है बोथ साइड। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, बाकी के ऑर्डर आपने लिखने हैं, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, समझा दिया है, वहाँ से समझ के यहाँ से सॉल्व कर दे। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ ए इज़ दिस, गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे एक अलग चीज़ मांगी है कि लिखा है कि a12 की जगह पे वैल्यू क्या आ रही है, अगर मैट्रिक्स है, ये मैं सॉल्व करके दे रही हूँ, यहाँ पे 3
टू माइनस फोर फिर माइनस टू फाइव ज़ीरो टू वन फाइव देन माइनस थ्री फोर एंड सिक्स। आपसे कहा है एक दो मैं समझाती हूँ बाकी समझ आ जाएगी कि ए वन टू फिर मांगा है ए टू थ्री फिर ए थ्री टू सो ऑन। ये मैं करती हूँ तो बाकी समझ आ जाएगी कि ए वन टू की जगह पे वैल्यू क्या है। ए का मतलब है रो, ठीक है, ए का मतलब है पोजीशन, ठीक है। वन टू, वन सबसे पहले है ना, तो वन होगा रो और ये होगा कॉलम। ए वन टू, वन और टू, वन ये टू ये दोनों के क्रॉस में ये वन है रो और टू है कॉलम, दोनों के क्रॉस में कौन सी वैल्यू आ रही है, ये वाली। तो ये ए वन टू की जगह पे क्या आ रही है, वैल्यू टू। समझ आ रही है, ए वन टू, ए वन टू का मतलब है ए ये मैट्रिक्स है, वन टू का मतलब वन फर्स्ट वैल्यू रो होती है सेकंड कॉलम होता है, तो रो फिर कॉलम तो दोनों को क्रॉस करके जो वैल्यू जहाँ पे आ रही है वो उसी की वैल्यू होती है। नेक्स्ट है ए टू थ्री, ए है टू थ्री, टू रो ये होती है रो ये होता है कॉलम, ये रो है ये कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे है टू, टू रो और थ्री कॉलम, वैल्यू क्या आ रही है, दोनों को टच किस पॉइंट पे किया है, ज़ीरो पे, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है। ए थ्री टू, थर्ड कॉलम सेकंड रो, सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम ये है ना, तो यहाँ पे टच हो रही है, तो थ्री वन जो है ये इसकी वैल्यू बन रही है, ठीक है। अगर वन ए टू फोर लिख, टू फोर तो खैर नहीं हो सकता, अगर ए टू वन लिखा है तो टू सबसे पहले है तो ये होगा रो जो ये है, वन लिखा है फर्स्ट कॉलम तो इसकी वैल्यू ये बनेगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, इक्विटी की बात है तो मैंने समझा दिया है, प्लस माइनस करके देख ले, अगर कोई सेम आ रही है तो बोथ को इक्वल कर दे, ठीक है। और यहाँ पे लेट ए इज दिस एंड बी इज दिस फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू आर ए एंड बी आर इक्वल। अच्छा ये मैं फिर करके दे दूँगी, ठीक है, बाकी यहाँ तक आप सॉल्व कर दे, फोर तक आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।